नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है महाशय सूत्र एवं वर्णों के उच्चारण स्थान का प्रश्नोत्तर। ठीक है, अभी तक हमने अभी इसका अभ्यास किया, इसका प्रश्न इस चैप्टर को पढ़ा, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभ्यास प्रश्न बहुत ही बड़े हैं, इसलिए थोड़े थोड़े करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अ च ब, अ च ब में से किसी एक का उच्चारण स्थान बताना है। तो भाई हम एक का क्यों बताएंगे, हम तो सभी का बता सकते हैं। आप अपनी कॉपी में जब एग्ज़ाम में आए तो भले एक लिखिए, लेकिन अपनी कॉपी में सभी के उच्चारण स्थान लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना, इसके हमने एक नोट्स बना दिए हैं आंसर के, वो हम आगे इस क्वेश्चन के बाद आगे है। और तालुम से किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो पहले एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। ये देखिए, अ से कंठ का उच्चारण होता है, च से तालु का होता है, हाँ, और ब से ओष्ठ का होता है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, यहीं पे देखते चलते हैं। अ च ब में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। तालु से किन वर्णों का उच्चारण होता है, त और थ उच्चारण किस स्थान से होता है। तो तालु से किन वर्णों का इचुयशा नाम कंठा है, इचुयशा नाम तालु, सॉरी इचुयशा नाम तालु सूत्र हमने आपको याद करवाए थे ना, और कंठ का भी सूत्र याद करवाया था उच्चारण स्थान का, अकु विसर्जन विसर्जन नाम कंठा है। ठीक, त और थ का भी सूत्र हमने ये लर्न करवाया था आपको, तो वो सारे सूत्र आप लर्न कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सभी उच्चारण स्थान एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है, महाशय सूत्र की संख्या क्या है, अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। आप एक का क्यों लिखेंगे, आप सभी का लिख डालिए। ठीक, किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, तो आप एक का न लिखिए, सबका लिखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ई ट क में से किसी एक का वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, सबके हमने आगे लिख दिए हैं आपको उच्चारण स्थान। तो हम लोग आगे का देख लेते हैं। ये देखिए, अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ होता है। अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च का उच्चारण स्थान तालु होता है, और ब का ओष्ठ होता है। उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ, इचुयशा नाम तालु, और अकु विसर्जन नाम कंठ, उसमें अ भी आ जाएगा और इचुयशा नाम तालु में च भी आ रहा है ना, चू मीन्स च वर्ग, और उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ, पू आ रहा है, पू में ब आता है, यानी ओष्ठ उसका उच्चारण स्थान है। आगे देखिए, तालु से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं, ई च इचुयशा नाम तालु, ई च छ ज झ ई य और श तालविश और य, ये किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। त और थ का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग। जब आप सूत्र देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। महाशय सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है महाशय सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 होती हैं। ठीक, आप वो 14 महाशय सूत्र लिख लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, य व र ल को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। बच्चों, और अंतस्थ वर्ण को एक और नाम से पुकारते हैं, क्या है, अर्धस्वर। क्या पुकारते हैं, अर्धस्वर, य व र ल को अर्धस्वर भी कहते हैं। वर्ण, ये देखिए, अ अंग व आपका सातवां क्वेश्चन था। अ अंग व का उच्चारण किसी एक का लिखना था, हमने सबका लिखा है, उच्चारण स्थान लिखिए। तो अग क्या है, कंठ है, अंग कंठ से बोलते हैं, अकु विसर्जन नाम कंठ, तो पंचम वर्ण आता है ना, पंचम वर्ण कंठ से बोला जाता है। व दंत और ओष्ठ की सहायता से क्या बोलते हैं, हम व बोलते हैं। ठ का मूर्धा स्थान, ठ का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, त का दंत, प का ओष्ठ। ठीक है,
आगे बढ़िए। अब ये देखिए अच, अच इसमें ये कहा है ना, क्वेश्चन पूछा है कि किसी एक सभी सभी मतलब जो प्रत्याहार हैं, ये प्रत्याहार जो हैं आपके, इन प्रत्याहारों में से किसी का वर्ण लिखिए। तो अच प्रत्याहार का वर्ण लिखना है। हाँ, अच में कितने वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, चर में कितने वर्ण आते हैं। तो हल तो सब बहुत ही बड़ा हो जाएगा ना, सभी व्यंजन वर्ण आते हैं उसमें, आपकी बुक में दिया हुआ है कितने वर्ण हैं, तो वो तो सारे वर्ण आते हैं, सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो अपनी बुक से आप लिख लीजिएगा, उसमें आप यदि ऐसे भी लिख लेते हैं कि सभी व्यंजन वर्ण, तो वो भी गलत नहीं है। अच सभी स्वर आते हैं, अ ई उ री ऋ ए ओ ऐ औ, स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक। चर वर्गों का प्रथम वर्ण आता है, कौन सा, च ट त क प अ उ ष्म ष स स, हर ह नहीं रहेगा, सिर्फ श स और स, ये तीनों श रहेंगे, तालव्य श, मूर्धा मूर्धनि ष और दंती स। अब देखते हैं कि ये ई, ई का उच्चारण स्थान तालु है, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, क का उच्चारण स्थान कंठ है। आपके 11 क्वेश्चन का है कि इक, जश और यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इक में आता है ई उ री ऋ, जो आप यण संधि पढ़ेंगे ना तब आपको ये इक प्रत्याहार आएगा। इक में आता है ई उ री ऋ, जश में आता है ज ब ग ड द, यानी ज ब ग ड द क्या है, वर्गों का तृतीय वर्ण है, वर्गों का तृतीय वर्ण है जश प्रत्याहार में। चर प्रत्याहार में वर्ण का प्रथम वर्ग होता है, वर्गों का प्रथम वर्ण, मतलब कि वर्गों में प्रथम वर्ण जो होते हैं वो चर प्रत्याहार है, लेकिन जश प्रत्याहार में वर्गों का तृतीय वर्ण होता है। और यण प्रत्याहार यवर आला, जिसे हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। इस तरह से आप कई बार लिखते जाएंगे और बोलते जाएंगे तो आपको सारे प्रत्याहार याद हो जाएंगे, ठीक। अब ये देखिए विसर्ग, विसर्ग विसर्ग का उच्चारण स्थान, तो भाई विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, और न का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब ये देखिए आगे के आपके क्वेश्चंस ये हैं कि उ ए री में से, उ ए री में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत, उ री में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। हल एक उक में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए, ठीक। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, तो इसके उत्तर 20 तक क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए हैं। क्या है कि अच में, अच में कौन सा आपका आता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच में आता है आपका ई ऊ ऊ ए री वर्ण आते हैं। सॉरी, ये अच में नहीं है, ये उक में है। ये 13 वाला कौन सा है क्वेश्चन आपका, उक में, उ ए री में से किसी एक प्रत्याहार आने वाले वर्णों को लिखिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक प्रत्याहार आने वाले वर्ण को लिखना है, हाँ। तो ये देखिए अच, अच प्रत्याहार ऐसा है जिसमें उ भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा और री वर्ण भी आ जाएंगे ना। अच में 9 वर्ण आते हैं आपके स्वर के, तो ये तीनों क्या हैं, स्वर हैं, जो अच प्रत्याहार जो स्वर में आ जाएंगे। उक में कौन से आते हैं, ऊ री री, कम से कम। और प्रत्याहार किसे कहते हैं, पांचवा प्रश्न आपका ये है कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो कम से कम, जिन कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाने वाले, कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाने वाले शब्दों को प्रत्याहार कहते हैं, मतलब जिनकी सहायता से हम कम, जिनकी सहायता से कम शब्दों से ज़्यादा बात बोल जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्याहार होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए विवृत्त एवं संवृत्त, कहते हैं किन प्रत्ययों की सहायता से हम स्वर को उच्चारित करते हैं, तो भाई तो विवृत्त के प्रयत्न के माध्यम से हम स्वरों को उच्चारित करते हैं, लेकिन संवृत्त से अ को उच्चारित किया जाता है ना, संवृत्त प्रयत्न के माध्यम से अ को उच्चारित करते हैं। तो ये अ भी तो स्वर है,
तो इस वजह से विवृत और संवृत दोनों को हमने लिख दिया है कि विवृत एवं संवृत प्रयत्न के माध्यम से स्वरों को उच्चारित करते हैं। लेकिन एक बात और है, यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विवृत और संवृत स्वर किस प्रयत्न के भाग हैं, तो ये आभ्यांतर, ये किसके भाग हैं, ये आपके आभ्यांतर प्रयत्न के भाग हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे नासिका। नासिका से क्या बोलते हैं, अंग य ड न और म, अंग य ड न और म को उच्चारित करते हैं, यानी कि वर्गों का पंचम वर्ण। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये उ को किससे उच्चारित करते हैं, ओष्ठ से, ग को कंठ से, त को दंत से उच्चारित किया जाता है। उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत, त का दंत है, ग का कंठ है और उ का ओष्ठ है। उपपद्यमानिया नाम ओष्ठाउ, उ को ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है। ई, ई का क्या है, ई का उच्चारण स्थान तालु, ब का ओष्ठ और र का उच्चारण स्थान क्या आएगा, मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, र आ रहा है ना, र का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। ठीक उसी तरह से अक देखिए, अक का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, नहीं अक का, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है और री आता है। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चन के आंसर हम अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ना वीडियो, क्योंकि इसके नोट्स बना के तब मैं आपको देती हूँ तो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से आगे के जो आंसर है उसको हम कल की वीडियो में आपको देंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको जल्दी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और जैसा भी आपको लगा उसको मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा हो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।